नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जनपद अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में स्थित पैरामेडिकल कॉलेज लैंडमार्क के खिलाफ 101 छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कॉलेज प्रबंधक समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जाँच कराकर कॉलेज प्रबंधक समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि पूरा मामला यूपी के जनपद अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में स्थित लैंडमार्क कॉलेज का है, जहां कुछ दिन पहले कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से शिकायत की थी कि 101 बच्चों के भविष्य के साथ कॉलेज ने फर्जीवाड़ा कर खिलवाड़ किया है। कॉलेज में जीएनएम और एनएनएम की मान्यता नहीं है, इसके बावजूद भी 80-80 हजार रुपये फीस वसूल कर 101 छात्र छात्राओं के एडमिशन ले लिए गए, जो पूरे तरीके से फर्जी हैं। डीएम ने उच्च स्तरीय अधिकारियों से कॉलेज की जांच कराई तो मामला सत्य पाया गया और पाया गया कि कॉलेज जीएनएम और एनएनएम मान्यता प्राप्त नहीं है। जिलाधिकारी उमेश मिश्र की पुष्टि के बाद पैरामेडिकल कॉलेज लैंडमार्क के प्रबंधक समेत 3 लोगों को धोखाधड़ी और कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हम लैंडमार्क स्टूडेंट हैं, वहाँ पर फर्जी पढ़ा है। हम लोग जीएनएम कोर्स कर रहे थे और एएनएम, तो वहाँ पर ये सब फर्जी है। लोगों ने हमारी 2 साल की फीस ले ली है। अच्छा। एक साल के 1,60,000 रुपये जमा कर चुके हैं हम लोग। साथ हमारी मार्कशीट वगैरह भी नहीं थी और हमारी मतलब फीस भी ले ली, और कोई जा रहे हैं तो क्लास से भी लग रही है, बस एक टीचर ही ले। कॉलेज में बच्चों का एडमिशन 2018 में लिए, जबकि इस कॉलेज की कोई मान्यता नहीं है और 2 साल की फीस बच्चों से पहले जमा कर ली गई। पता चला कि जब एग्ज़ाम का समय आया तो उनकी जो मार्कशीट हैं, जो पेपर हैं, जो कॉपियाँ, सब फर्जी हैं। और इसी फर्जी वाले को लेकर मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्तालाप की तो उन्होंने इसकी जाँच कराई है। जाँच में इसको फर्जी पाया गया और आज इसका आश्वासन दिया है यहाँ पर थानाध्यक्ष महोदय ने कि इसके खिलाफ मुकदमा शाम तक दर्ज कराया जाएगा। ऐसा था, बच्चों ने शिकायत की थी जीएनएम के कोर्स के लिए कि ये डिग्री नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी हमने जांच कराई थी और इसमें संबंधित विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है और अब इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। क्या मामला सामने आया निकल के सर, किस तरह की फर्जी मामला चल रहा था वहाँ पर? नहीं, वहाँ बताया गया कि इनकी मान्यता जो है वो अधिकृत संस्थान से नहीं है और उसको मैंने मंगा भी रखा है लखनऊ से, जैसे आ जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से कविंदर सिंह की रिपोर्ट।